नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 21st लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल रूलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। भारतीय स्थापत्य के विकास में मुगल शासकों के योगदान की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि सबसे पहले जो है मुगल आर्किटेक्चर होता क्या है, उसके फीचर्स को हम समझेंगे। तो अगर हम मुगल आर्किटेक्चर मुगल वास्तुकला की बात करें तो ये जो है नॉर्थ इंडियन और सेंट्रल इंडियन में ही जो है ज्यादा फला फूला था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मुगल आर्किटेक्चर है ये हमें एक कॉम्बिनेशन दिखाता है इंडियन, पर्शियन और तुर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल का। ठीक है, भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य कला का जो है यहाँ पे संयोजन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें तीनों के ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है उनका जो डोम स्ट्रक्चर था, जो गुंबद वाली जो है यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर होते थे, मतलब कि एक प्यास के शेप के जो है यहाँ पर जो है एक बड़े से जो है गुंबद होते थे। और अक्सर देखा गया था कि यहाँ पर एक के एक गुंबद तो बीच में होता था और उसके आसपास जो है तीन चार जो है गुंबद और होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये जो बल्बस जो एक डोम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक हाँ कि एक जो यहाँ पे जो एक भड़काऊ सा एक डोम होता है, एक बड़ा सा जो है डोम होता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे रेड रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था, जो कि जब हम बाकी जो इन जितने भी जो हम इनके जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हम वाकई में देखते हैं कि जो रेड सैंडस्टोन है, जैसे कि जो यहाँ पर जो है लाल किला है, या फिर व्हाइट मार्बल जो जामा मस्जिद है, या फिर जो ताजमहल है वो उससे बना हुआ है। तो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे जो जितने भी स्ट्रक्चर थे वहाँ पे जो है कैलीग्राफिक, ठीक है, वहाँ पे जो है सुलेख शिलालेख जो है बहुत ज़्यादा होती थी, अरेबिक और पंशी और पर्शियन लैंग्वेज में जो है यहाँ पे शिलालेख भी लिखी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गेटवेज जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज और ब्रॉड होते थे, ठीक है, कैलीग्राफिक की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पतले पतले जो है मीनार होते थे कॉर्नर पे, और यहाँ पर जो है डोम्स जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो थे वो वहाँ पे पिलर्स पे हमें देखने को, वॉल्स पे जितने भी खंबे होते हैं, जितने भी दीवार होती हैं, या फिर जितने भी जो पैलेस हॉल्स के जितने भी पिलर्स होते थे उसमें जो है बहुत ही अच्छे से जो ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो बनाया गया था। जितने भी छतरीज जो वगैरह होती थी, ठीक है, जो जो खंभे दीवारें पर सजावटी छतरियाँ, ठीक है, तो जो छतरियाँ जो होती थी वो भी बहुत ज़्यादा जो है सजावटी होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होती थी। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो रेन था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, केवल जो उन्होंने 4 या 5 साल जो है वहाँ यहाँ पे रेन किया था। और वहाँ पे हम कोई कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा जो है खास जो है आर्किटेक्चर जो है उनके समय में हमें नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे कुछ ही है जैसे कि मॉस्क ऑफ काबुली बाग एट पानीपत है, जामा मस्जिद है संभलिया दिल्ली, ठीक है, और राम बाग जो कि जो मुगल गार्डन जो है जो पहला मुगल गार्डन था इंडिया का, राम बाग आगरा में, ठीक है, उसे जो है चार बाग स्टाइल में बना गया है। चार बाग स्टाइल वो होता है जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े जो है वहाँ पे गार्डन होते हैं, तो चारों तरफ गार्डन होते हैं, इसीलिए इसे चार बाग का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है चार बाग स्टाइल में जो है यहाँ पर जो मुगल गार्डन है उसको बनाया गया था। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि हुमायूं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो है दीन पनाह सिटी के जो है उन्होंने वहाँ पे नींव रखी थी, लेकिन उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और हुमायूं टॉम जो है वहाँ पे उनकी जो वीडियो थी हमीदा बेगम, उन्होंने बनवाया था। और ये जो है ये एक पर्शियन डिज़ाइन में इसको बनाया गया था, ठीक है, इसको पर्शियन डिज़ाइन में इसको बनाया गया था। और ये भी जो है ये भी पर्शियन चारबाग स्टाइल में बनाया गया है। और जो हुमायूं टॉम है इसको माना जाता है कि ये ताजमहल के बनने के पहले के जो प्रीकर्सर के रूप में इसको देखा गया है। इसके बाद अगर हम अकबर की बात करें, ठीक है, तो अकबर की बात करें तो अकबर के जो यहाँ पे जो है उनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और उन्होंने बहुत सारे इसमें कार्य किए हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुगल ने जो है यहाँ पे एक पूरी जो है इसको प्लान्ड सिटी के रूप में बनाया था, ठीक है, प्लान्ड सिटी के रूप में बनाया
बनाया था, और उसके बाद जो बाद में जो मुगल की जो ये कैपिटल भी बन गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बुलंद दरवाजा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा जब अकबर जो गुजरात गुजरात पर जब उनकी जीत हुई थी अकबर की, तब उन्होंने जो है उसको कमोमरेट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। जामा मस्जिद है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, तो ये भी बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स जो है ये फतेहपुर सीकरी में ही बनाए गए हैं। गोविंद देव टेम्पल जो है वृंदावन में बनाया गया है अकबर के द्वारा। इसके बाद अगर हम जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर ने जो है यहाँ पर जहांगीर ने जो है बहुत ज़्यादा जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। ठीक है, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, उनका जो झुकाव था, रुझान जो था, वो पेंटिंग्स की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक इमात उद दौला, ठीक है, ये एक टॉम्ब बनाया था जो कि नूर जहाँ जो उनकी वाइफ थी, उनके जो फादर थे, ठीक है, तो उनकी याद में जो है यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो जो ये जो पेत्रा डूरा, ठीक है, पेत्रा डूरा वर्क जो होता है उसका यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने शालीमार बाग जो है श्रीनगर में बनवाया था, मोती मस्जिद जो है उसको लाहौर में बनवाया था। अगर हम शाहजहां की बात करें, ठीक है, तो शाहजहां जो है उनके टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो पूरा मुगल आर्किटेक्चर जो था वो पूरा क्लाइमेक्स पे था, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। तो उन्होंने जो है बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए थे, जैसे कि जो है ताजमहल है अपनी अपनी वाइफ के याद में बनाया था, मुमताज़ महल। और तो इनके बाद जो है यहाँ पे जो है शाहजहानाबाद उन्होंने बनाया था, जिसको कि सेवन सिटी ऑफ दिल्ली का नाम भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में है, शीश महल जो है लाहौर फोर्ट में है, ये सब जो है यहाँ पे शाहजहां ने ही बनवाए थे। और यहाँ पर भी जो है हमें जो पेट्रा ड्यूरा का जो है यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और बहुत सारा जो है इसमें मिरर का काम भी हुआ है इन सभी जो है स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद अगर हम औरंगजेब की बात करें, ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है हम देखेंगे कि जितने भी जो बहुत सारे जो ऐसे मॉस्क थे, जो भी वहाँ पे जितने भी जो मॉस्क होते हैं, मस्जिद होते हैं, उनको रिपेयर का काम बहुत ज़्यादा कराया था। और हिंदू टेम्पल्स जो थे, ठीक है, हिंदू टेम्पल्स को जो है उन्होंने औरंगजेब ने जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय किया था। उनका जो एक लंबा कार्यकाल था उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है उनका कोई भी स्ट्रक्चर देखने को, उनका कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता, केवल एक ही दो मिलते हैं, जैसे कि पर्ल मॉस्क है रेड फोर्ट दिल्ली में, या फिर बीबी का मकबरा है जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ की जो औरंगजेब के टाइम पे ही जो है आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, और औरंगजेब के टाइम के बाद, उनके रेन के बाद जो है पूरा मुगल जो आर्किटेक्चर है उसका जो है बहुत ज़्यादा पतन देखने को हमें मिलता है। तो मुगल आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही जो है यहाँ पर जो है जो अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा बात करें, तो सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, वो रहा है अकबर और शाहजहां का ही जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे मुगल आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के जो मुगलों ने बनवाया था, तो उन्होंने जो है पैलेसेस, फोर्ट्स, मस्जिद, ये ठीक है, सराय, इन सभी का जो है यहाँ पर निर्माण कराया था। जैसे कि हम देखते हैं ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा फोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट है, तो ये सब जो है मुगलों द्वारा ही बनाया गया था। और इन्हीं का देखे देखिए जितने भी लोकल जो रूलर्स थे उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कराया था। जैसे कि जौनपुर और लखनऊ में जो है बहुत सारे जो है कई जगह जो है नोटेबल बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इनका जो पूरा टाइम था, जो मुगल का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्किटेक्चर में, वो तो बहुत महत्व रखता ही है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है इंडियन लोकल रूलर्स को भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन भी पेपर नंबर 1 से है, और क्वेश्चन है, हाईलाइट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं बुंदेलखंड रीजन को पूरे डेवलप करने में, हम लोग एक बार उस पर नजर डाल लेंगे। पर उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये बुंदेलखंड रीजन जो है वो पूरा है क्या। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन अगर हम बात करें तो ये एक हिली रीजन है। ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर उत्तर भारत में। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में है, जो
क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही फैला हुआ है, और ये जो बुंदेलखंड रीजन है ये बहुत ही जो है पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लोगों के पास जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। ये इलाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है जहाँ पे कि बहुत कुछ हो नहीं सकता, इस वजह से ये सब जो है ये इलाके जो हैं बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और जो इंडिया के जो सब 108 सबसे गरीब ज़िले हैं जो हैं उसमें से 9 ज़िले जो हैं वो जो है बुंदेलखंड रीजन में ही है। तो हम देख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और मध्य प्रदेश में जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अगर हम 7 डिस्ट्रिक्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो कौन कौन से हैं, चित्रकूट है, बांदा है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर हैं। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 7.8 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे पॉपुलेशन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड रीजन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ के जो इलाका जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना भी जो जो महत्वपूर्ण भाग जो है यहाँ पे का जो सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो किससे, वो हिली रीजन और प्लेटो रीजन से जो है कवर्ड है, जिसकी वजह से जो है वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर बहुत कुछ हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी बहुत कम है, वहाँ पर जो है फर्टाइल सॉइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से जो ये पूरा जो रीजन है ये पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, ठीक है, सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड का जो पूरा रीजन है उसमें 1/3 रीजन जो है, ठीक है, वहां पे जो है उसकी जो लैंड और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो जो इतनी भी लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो क्या हो गए हैं, वो डिग्रेड हो गई हैं। तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन में अगर हम एनुअली बात करें तो करीब 800 मिलीमीटर की, ठीक है, यहां पे रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरे साल भर तो ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकतम समय पर, ठीक है, साल के अधिकतम समय पर जो है यहाँ पे जो बुंदेलखंड रीजन है ये पूरा बहुत ही ज़्यादा सूखा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितना भी पानी जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो बह जाता है, पानी जो है बह जाता है क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, पठारी क्षेत्र है, पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाते हैं, और जो है पहाड़ी इलाकों की वजह से जो है यहाँ पर जो है जितना भी बारिश में जो पानी होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आने की वजह से जो टॉप सॉइल होता है या फिर हम कह सकते हैं जो ऊपरी मिट्टी जो होती है वो भी बह के नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केवल जो है 1/3 एरिया ही जो है, ठीक है, 1/3 जितना भी एनुअल 1/3 एरिया जो है नेट जोन एरिया है केवल वही इरीगेटेड है, और यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर जो टैंक है या फिर जो पॉन्ड्स हैं उन पर जो है निर्भर रहना पड़ता है अपने जो है खेतों को पानी देने के लिए। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सॉइल इरोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो है कई सारी प्रॉब्लम की वजह से, फिर वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी कई सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बुंदेलखंड रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो सरकार द्वारा जो है काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं जिससे कि बुंदेलखंड रीजन को जो है पूरी का पूरा यहाँ पे बूस्ट दिया जा सके, वहाँ की इकोनॉमी जो है उसको, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, पूरे क्षेत्र का जो है विकास किया जा सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि बेनिफिट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन द बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, तो जितनी भी बुंदेलखंड रीजन में जितनी भी अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ पे कई तरीके के जो है उनको लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि 100% जो है स्टैम्प ड्यूटी पे, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे 100% का जो है उन्हें वेव ऑफ दिया जाता है। इसके साथ साथ जितना भी कमर्शियल टैक्स होता है उसमें भी उनको डिस्काउंट दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं इन सभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को, और साथ साथ जो है पावर सप्लाई का भी एश्योरेंस दिया गया है कि उन्हें 24 आवर्स जो है वहाँ पे पावर सप्लाई दिए जाएंगे। तो इस तरीके कई सारे जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ताकि जो है लोग और ज़्यादा एनकरेज हो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए।
इसके बाद हम देखते हैं डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर भी जो है वहाँ पे लगा, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे लगाया जा रहा है, झांसी में लगाया जा रहा है। और ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, ठीक है, इसके चार नोड्स हैं यूपी में, वो कौन कौन से हैं, आगरा है, अलीगढ़ है, झांसी है, सॉरी चार नहीं सॉरी छः नोड्स हैं, ठीक है, छः नोड्स हैं यूपी में, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर। तो झांसी और चित्रकूट ये दोनों ही किस में है, ये दोनों ही बुंदेलखंड रीजन में है। तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर से भी पूरे जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 400 करोड़ का यहाँ पर जो है एक प्लांट लगाया गया है, जिसमें कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसको वहाँ पे जो है लगाया जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने जो है यहाँ पर जो है अपनी एक यूनिट सेटअप की है, यूपी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे क्या होगा, यहाँ पर जो अगर हम डिफेंस कॉरिडोर को बूस्ट देंगे तो जो यहाँ पर जो है इंडिया को जो है हम लोग सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन के मैन्युफैक्चर में। और साथ साथ जो बुंदेलखंड रीजन अगर हम कहें तो लोकली जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विकास होगा। इसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो हाल ही में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वहाँ पे बनाया जा रहा है, हम देखते हैं। तो ये जो पूरा पूरा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कितने किलोमीटर का है, ये 296 किलोमीटर का है, चित्रकूट से लेके इटावा तक बनाया जा रहा है। तो और इसमें अगर हम बात करें बुंदेलखंड रीजन के, तो यहाँ पे चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, जालौन है, इन सभी एरियाज़ को यहाँ पर कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये चित्रकूट बांदा, हमीरपुर, जालौन, इन सभी को कनेक्ट करेगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उससे, जैसे कि दिल्ली है, आगरा है। लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, यहाँ पर जो है पूरी कनेक्टिविटी देगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है हम कह सकते हैं बुंदेलखंड रीजन, अगर उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पर जितना भी सामान बन रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, रॉ मटेरियल्स को पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जितना भी अगर कोई भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट अगर कोई भी सामान बन रहा है तो उसको जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इससे केवल कनेक्टिविटी होने से ही पूरा जो बुंदेलखंड रीजन है उसका बहुत ही ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ऐसा भी माना जा रहा है कि इससे जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ के जो पूरा सेक्टर, जो टूरिज़्म सेक्टर है, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। जैसे कि यहाँ पर जो है हम देखें बुंदेलखंड रीजन में बहुत सारे जो है टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जैसे कि फोर्ट्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं झांसी में, ठीक है, झांसी में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, देवगढ़ है ललितपुर में, जो वेद व्यास हैं उनका जो जन्म जन्म स्थान है कल्पी में, जालौन में जो कि है, तो वहाँ पर भी जो है लोगों का जो है टूरिज़्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। प्लेसेस जो हैं, कई सारे प्लेसेस जो हैं एसोसिएटेड हैं लॉर्ड राम से, जो कि चित्रकूट में है, जो बहुत सारी प्लेसेस ऐसी एसोसिएटेड हैं जो कि अल्हा उधल से हैं महोबा में। तो यहाँ पर जो है लोगों का जो है यहाँ पे उस उनको उनको आने के लिए जो है कनेक्टिविटी प्रदान हो कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि यहाँ का जो पूरा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए जा रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कई तरीके से जो है लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम यही मनरेगा की बात करें, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो मैंडेज है उसको 100 डेज से बढ़ा के 150 डेज कर दिया गया है, ताकि वहाँ के लोग जो है उनके पास जो है और ज़्यादा जो है उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट किया जा सके। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट लोगों की ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, इसके कवरेज को जो है और एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, कि इसकी जो जो NRLM है इसको हर ब्लॉक में जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट की सुविधा जो है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही ज़्यादा कर सकें। इसके साथ साथ अभी देखिए हम तो हाल ही में जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लगाई गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है इसको झांसी में, ठीक है, झांसी से इसकी शुरुआत की गई थी, और झांसी में जो है इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स जो है उसको बांटा गया है, बी बॉक्सेस जो है उसको बांटा गया है, अगरबत्ती मेकिंग मशीन बांटी गई है, ठीक है, जो जितने भी जो रूरल आर्टिसंस हैं, जितने भी रूरल कारीगर हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर हैं झांसी के या फिर उसके आसपास के एरियाज को, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे करीब जो है 600 लोकल लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वुमेन है, ठीक है, तो उन सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है महिला डेयरी स्कीम भी जो है यहाँ पे लगाई जा रही है, चलाई जा रही है, जिससे कि जो यहाँ पे महिला, यहाँ पे जो डेयरी सेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह की जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी लेकर के आई जा रही है। इरीगेशन फैसिलिटी, जैसे कि हमने कहा कि केवल एक बटा तीन हिस्सा ही जो है यहाँ पर केवल जो है नेट जोन एरिया जो है वो इरीगेटेड है, बारिश होती तो है साल भर, मतलब सॉरी 800 मिलीमीटर साल में जो है बारिश होती तो है, लेकिन जो है वो पानी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पर्याप्त नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स भी लेके आए गए हैं आए लेकर के आया जा रहा है, जैसे कि धासन रिवर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर 1.5 लाख फार्मर को जो है यहाँ पर उनको जो है इरीगेशन फैसिलिटी दी जाएगी 168 विलेजेस में। और कौन कौन से विलेजेस हैं, जैसे कि बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, यहाँ के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के फार्मर्स को जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो है यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जो है पंचनद, ठीक है, पंचनद स्कीम है जिसमें कि जो है लोगों को, जितने भी फार्मर्स हैं उनको जो है इरीगेशन के लिए पर्याप्त पानी पहुँचाया जाएगा। वाटर क्राइसिस या फिर हम कह सकते हैं वाटर डिस्ट्रेस, ठीक है, वाटर डिस्ट्रेस की समस्या को मिटाने के लिए महोबा रीजन में, ठीक है, यहाँ पर भी जो है कई सारी स्कीम्स लेकर के आई जा रही हैं, जैसे कि अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट है, रतौली वेयर प्रोजेक्ट है, भावनी धान प्रोजेक्ट है, ये और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जितनी भी वाटर शॉर्टेज है, वाटर डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है उससे निपटा जा सकता है, लोगों जितने भी फार्मर्स हैं उनको इरीगेशन की फैसिलिटी दी जाएगी, और साथ साथ जो है यहाँ पे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी इससे दी जाएगी, ठीक है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की। तो इस तरीके से जो पूरा रीजन है उसका जो है विकास करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बूस्ट की भी बात की जा रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर बूस्ट कृषि को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको कई तरीके से जो है यहाँ पे उत्साहित किया जाता है, जिससे कि वो जो है और ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है जो, जो उनको जो है एनकरेज किया जा सकता है जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि सिसमे है, ठीक है, सेसमे या फिर तिल है, हम कह सकते हैं, जो बुंदेलखंड रीजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, तो इसके लिए जो है MSP वहाँ पे दिया जाता है, MSP दिया जाता है, लेकिन जितने भी मूल बुंदेलखंड रीजन है तो वहाँ के फार्मर्स को जो है 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये जो है एक्स्ट्रा वहाँ पे दिए जाते हैं MSP के ऊपर, वहाँ पे लोगों को एनकरेज करने के लिए ड्रॉट प्रूफिंग, ठीक है, जितना भी जो सूखा पड़ने के लिए जो वहाँ पे एरिया जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वहाँ पे जो है वाटर टैंक्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वेल्स को जो है वहाँ पे खोदा जा रहा है, फार्म पॉन्ड्स जो है उसको बनाया जा रहा है, ताकि जितने भी लोग हैं उनकी जो इरिगेशन की फैसिलिटी है उसको और अच्छे से दिया जा सके। तो यहाँ पे कई तरीके के जो है प्रोजेक्ट्स स्कीम्स लेकर के आए जा रहे हैं, ताकि जो है वहाँ पे कृषि का जो क्षेत्र है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की, तो जितने भी फार्मर्स हैं उनको सोलर पंप्स जो है उसको फ्री में दिया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज अगर बनता है तो उस पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैटल, अगर वहाँ पे कैटल रेयरिंग हो रही है तो उसके लिए जो है वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको रिड्यूस्ड रेट पर, जो सब्सिडाइज रेट पर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो इस तरीके से कई प्रकार से जो है वहाँ के फार्मर्स को जो है वहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है,
ठीक है, फसल बीमा स्कीम है, अगर हम 2016 के आंकड़ों की बात करें तो पूरे यूपी में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसका जो कवरेज कितना था वो केवल 7-10% था, लेकिन बुंदेलखंड रीजन में ये कितना है, करीब 30% जो है यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस का कवरेज है। तो यहाँ पर जो है हर तरीके से जो है वित्तीय सहायता फार्मर्स को दी जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है जो इतना भी फूड ग्रेन एलोकेशन है, ठीक है, उसको उसका जो पूरा जो शेयर है उसको और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जितनी भी जो वाटर स्कीम्स है, करीब 37 पाइप्ड वाटर स्कीम्स भी लेकर के आई जा रही है, जिससे कि लोगों को पीने का पानी भी मिल सके घर घर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारी जो है स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ड्रिंकिंग वाटर योजना है, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो यहाँ पर जितनी भी ये योजना लगाई जा रही है उसके लिए जो है यहाँ पे जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो है यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही हाथ मिला के चलना होगा, ताकि जो है हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लोगों को दे सकें। ठीक है, तो ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना की व्याख्या कीजिए, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के उपायों का भी सुझाव दें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो भारत में देखें तो बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की जो है हमें उल्लेख मिलता है। फॉर एग्जांपल ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है सभा और समिति की जो है सभा समिति का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब वहाँ के जो लोकल एरिया जो है उसको रूल करने के लिए, वहाँ के जो गवर्नेंस के लिए जो है ये सभा समिति बनाई गई थी। इसी तरीके से जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही जो है रिप्रेजेंट करता है, और इनका काम जो होता है बहुत तरीके के जो रूल ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट कार्य होता है उसको जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे ये विकेंद्रीकरण के लिए और ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो अगर हम बात करें तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये जो है विकेंद्रीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वही असल में जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जो है वहाँ पे हमें दिखाते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनका बहुत ही सारे जो है कार्य की अगर हम बात करें तो इनका कार्य होता है जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको लोगों तक पहुँचाना, जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है यहाँ पे उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ग्रास रूट लेवल पे वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज को जो है यहाँ पर लेकर के आया गया था फ्रॉम यूपी पंचायत, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस पंचायत राज एक्ट 1947 के, उससे जो है यहाँ पर पंचायती राज को यहाँ पर गठन किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1961 में, ठीक है, और फिर 1961 में उत्तर प्रदेश ने जो है यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया है, ये रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता कमेटी की। तो यहाँ पर 1961 में, ठीक है, 1961 में दो एक्ट लेकर के आए थे जिसके कारण जो है यहाँ पे यूपी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद जो है जिला पंचायत अधिनियम, ठीक है, तो यहाँ पर जिला पंचायत जो है उसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूपी क्षेत्र समिति और जिला परिषद एक्ट 1961 से, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र समिति और जिला परिषद का गठन हुआ था। और इसके बाद जो 1972 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया,
जिसमें कि जो लो PRIs के बारे में बोला गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के गठन के बारे में बोला गया था, उसको पूरा एक संवैधानिक बना दिया गया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इन्हीं दोनों जो है यहाँ पे ये जो एक्ट थे, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद एक्ट 1961, इसमें बहुत तरीके के अमेंडमेंट किए गए ताकि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके जो है उसके अनुरूप उसे बनाया जा सके। तो ठीक है, तो इन्हीं दोनों अधिनियमों में संशोधन किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं अपनाया था, उनके जो पहले से जो अधिनियम चल रहे थे उसमें उन्होंने जो है कई सारे जो है बदलाव किए थे, उसमें अमेंडमेंट किए थे और उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुरूप बनाया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है पूरा जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कब से फोर्स में आया है, वो 22 अप्रैल 1994 से आया है और यहाँ पर इसी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिर यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूरा स्ट्रक्चर की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 लेवल ऑफ पंचायत है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, जिला पंचायत होता है जिसके चेयरमैन को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है और ये हर 50,000 पॉपुलेशन पे जो है इसका गठन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल जिसको कि क्षेत्र पंचायत कहा जाता है और इसका जो है यहाँ पर इसका जो चेयरपर्सन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रमुख कहा जाता है और ये प्रति 2,000 की पॉपुलेशन पर जो है इसका गठन किया जाता है। इसके बाद हम विलेज लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है और इसके चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रधान। ठीक है, और यहाँ जो ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन होता है इसका जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जिला पंचायत और जो क्षेत्र पंचायत है यहाँ के जो चेयरपर्सन होते हैं इनका जो है इनका इलेक्शन कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर जितना भी जो जितने भी जो यहाँ पे जो जितने भी सिटीजन्स होते हैं इस क्षेत्र के, वहाँ पे वो लोकल, ठीक है, वहाँ पे जो पब्लिक जो है, वहाँ पे पब्लिक जो है जितनी भी पब्लिक है वो अपने जो मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट करती है और जो मेंबर्स होते हैं इलेक्ट जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चेयरपर्सन को जो रिप्रेजेंटेटिव को सॉरी अपने रेस्पेक्टिव चेयरपर्सन को जो है वहां पे नॉमिनेट करती है या फिर इलेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पे वुमेन के लिए, ठीक है, 1/3 जो है कोटा रखा गया है। इसके बाद OBC का कोटा भी इसमें रखा गया है करीब 27%। तो अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें, ठीक है, जो कि बाद में बनाया गया था, क्षेत्र पंचायत का जो चेयरपर्सन होता है जैसे कि हमने बात की वो प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत के उस पूरे खंड में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तो प्रमुख हो गया प्लस यहाँ पे जितने भी प्रधान हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और यहाँ पर जो है जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जो है उनको वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं पर 2,000 पॉपुलेशन के अंदर। और इसके साथ अगर हम बात करें क्षेत्र पंचायत का है, वो भी हिस्सा होते हैं, जितने भी जो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितने भी जो वहाँ के जो विधान परिषद या फिर विधानसभा लोकसभा से जितने भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी क्षेत्र पंचायत का हिस्सा होते हैं। इसी तरह अगर हम जिला पंचायत की बात करें, ठीक है, इसी तरह अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो इसका जो चेयरपर्सन होता है यहाँ पर कौन होता है, वो होता है अध्यक्ष और यहाँ पे उस और इसके अंतर्गत आते हैं जितने भी प्रमुख होते हैं KP के, ठीक है, क्षेत्र पंचायत के जितने भी प्रमुख होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और साथ साथ जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जो चुने गए हैं और प्रति 50,000 पॉपुलेशन पे वो भी इसका हिस्सा होते हैं। साथ साथ जो है जितने भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, MPs हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, विधान परिषद के वहाँ पे वहाँ उस रीजन को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सभी जो है जिला पंचायत के हिस्सा होते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर जो है जितने भी जो पंचायत का कार्य होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें और ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं पारदर्शिता लाने के लिए यहाँ पर जो है कई सारी जो है समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पर 6 स्टैंडिंग कमिटीज का जो है यहाँ पर गठन किया गया है जो कि हर जो जो कि तीनों टीयर लेवल ऑफ पंचायत जो है वहां पे कार्य करती हैं।
जैसे कि वो सिक्स स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है, जैसे कि योजना एवं विकास समिति है, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, निर्माण कार्य समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है और जल प्रबंधन समिति है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में यहाँ वहाँ पे काम करते हैं और पूरे जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जितना भी कार्य होता है उसको संभालते हैं और उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि बहुत सारी जो है जितनी भी जो अगर हम बात करें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ जो है समस्याएं भी बहुत हैं। अगर हम इशूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर उनके पास सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो ऑटोनॉमी की होती है। ठीक है, उनके पास जो है वो स्वायत्तता से अपने अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते, स्वायत्तता उनके पास बहुत कम होती है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर पंचायत इलेक्शन में हमें दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर जितनी भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जो प्रशासनिक स्वायत्तता होनी चाहिए या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी फाइनेंशियल या फिर फिस्कल जो वित्तीय विकेंद्रीकरण होता है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वहां पे बहुत ही ज्यादा लैक करता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है उनकी रिकमेंडेशंस को भी अक्सर नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और जितनी भी जो पंचायत हैं उनके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है पावर नहीं होती है रिवेन्यू जनरेशन की। ठीक है, उनके पास रिवेन्यू जनरेशन की पावर नहीं होती। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो फिस्कल फिस्कल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है या फिर हम कह सकते हैं फिस्कल रिसोर्सेज जो है उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कॉमन प्रॉपर्टी एरियाज, सामान्य संपत्ति क्षेत्र है। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी रूरल एरियाज होते हैं जहाँ वहाँ पे भी कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों को उसके जो है महत्व के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी एरियाज हैं, जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको जो है और ज़्यादा जो है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, उनकी जो इम्पोर्टेंस लोगों को और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। और जब भी उसको कोई यूज़ करता है तो उसके लिए जो है PR जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं वो कुछ चार्जेस लगा सकते हैं, जिससे कि उन मिनिमल चार्जेस लगा सकते हैं जिससे कि वहां पे उनके कुछ आमदनी हो सकती है, उनके कुछ रिसोर्सेस मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसको एक क्रिएट करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वहां के जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसका मेंटेनेंस किया जा सके। ठीक है, रख रखाव डेवलपमेंट के लिए जो है एक अलग से जो है डेवलपमेंट फंड बनाना चाहिए और ये जितना भी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ये इसी रूरल डेवलपमेंट फंड से करना चाहिए और ये जो फंड है इसको नॉन रिलैप्सेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपने उस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका यूज़ नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन रिलैप्सेबल होना चाहिए ताकि जितने भी जो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग अच्छे से डेवलप कर सकें। इसके बाद है लोकल टैक्सेस। ठीक है, स्थानीय कर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जितनी भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम जो है फाइनेंसेस की आती हैं, उनके जितनी भी जो उनके सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं कर पाते, उससे जो जो भी इनके पास पैसा है उससे वो और ज़्यादा जो है रिवेन्यूज जनरेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है वहाँ पर कि जो है वहाँ पे लोकल टैक्सेस जो है उसको लगाने के लिए ग्राम पंचायत या फिर जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको यहाँ पे ये पावर भी देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने भी जो फाइनेंस होते हैं जितने भी जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, और स्पेशली अगर हम ज़िला पंचायत की बात करें। ठीक है, ज़िला पंचायत की बात करें तो उसका काम क्या होता तो उसके तो जो तो उसका काम क्या होता है उसका तो सॉरी जो जिला पंचायत होता है उसको जो है यहाँ पे हमें और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है, उनका जो है लोग टैक्स एंड नॉन टैक्स बेस को जो है और ज़्यादा वाइड करने की हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए। ऑब्वियसली उसमें कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं जहाँ पे कि हम टैक्सेस नहीं लगा सकते, अदरवाइज जो है बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा के जो है
यहाँ पे जो है हम उनका जो लोकल गवर्नमेंट है उनके उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम जनरेट कर सकते हैं। इसका जो रेट्स होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट होने चाहिए, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक लीगल प्रोविजन लेकर के आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी जो क्षेत्र पंचायत की अगर हम बात करें, ठीक है, क्षेत्र पंचायत के पास जो है टैक्सेशन पावर या फिर नॉन टैक्स पावर्स जो है वो तो है, लेकिन इनका जो एरिया ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शनिंग है जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि उन जिसके कारण जो है वहां पे वो अपने जितने भी जो फंड है उसको बहुत अच्छे से जो है यूज नहीं कर पाते। जितना भी उनके पास जो फंड है उससे वो और ज्यादा रिवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर पाते। उनका मेनली काम क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनको ही जो है उनके इंप्लीमेंटेशन का काम होता है, उसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो है ज़रूरी है कि जितने भी जो लोकल टैक्सेस हैं उसका भी यहाँ पे जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोविजन करना चाहिए, ताकि उनके जो टैक्स बेस नॉन टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जा सके और उनके रिवेन्यू को जनरेट किया जा सके। इसके बाद है रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन के कई बार ऐसे जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हो उसको जो है ज़रूरी से जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितने भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं PRIs के लिए, ठीक है, PRIs के लिए जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, जितनी भी जो गवर्नमेंट होती है उसके पूल में, ठीक है, जितना भी समझ सपोज करिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पूल जो है रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो शेयर जो PRI का होता है वो बहुत कम होता है। ये देखा गया है कि अक्सर जो है 6% से भी कम जो है उनको PRIs को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है PRIs के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अगर उनको जो है अगर हमें कहना है कि वो ऑटोनॉमसली बिहेव करें, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अगर हमें उन्हें बनाना है तो हमें उन्हें जो है फाइनेंशियल रूप से जो है सशक्त करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि जो है टैक्सेशन का जो जितना भी पैसा होता है उसकी डिवोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अगर जो टैक्सेस को अगर डिवॉल्व नहीं कर सकते ड्यू टू कोई बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं कई बार के, जैसे कि जितने भी जो टैक्सेस के पैसे होते हैं उसको डिवॉल्व नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम एक फिक्स्ड शेयर जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो है 10th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था कि 2001 में, कि यहाँ पर जो है जितने भी PRIs हैं उनका एक पूरा जो स्टेट रिसोर्सेज का जो पूल है उसमें PRIs का एक फिक्स्ड कोटा होना चाहिए, फिक्स्ड शेयर होना चाहिए। इसी तरह अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, असम की, राजस्थान की या फिर तमिलनाडु की, ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा है कि जितना भी जो टैक्सेस का पैसा है, ठीक है, जितना भी जो टैक्सेस का पैसा है वो PRIs के साथ भी जो है शेयर होगा, प्लस उसके साथ साथ जितना भी जो स्टेट का जो टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, स्टेट का जो टोटल रिवेन्यू है उसमें भी जो है कुछ हिस्सा जो फिक्स्ड शेयर है कुछ हिस्सा जो है वो PRIs को देना चाहिए, ताकि जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो है होने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी जो PRIs है उनको हम लोग और ज्यादा उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, काम के दोहराव से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो है वो एक ही कार्य में जो है जुड़े रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो प्लानिंग रिसोर्स होती हैं वो जो है जितने भी जो बहुत सारा जो कार्य होता है वो बहुत सारे जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें वहाँ पे किसी भी बुंदेलखंड रीजन में अगर हम समझ लीजिए कि वहाँ पर अगर हमें डेवलपमेंट कार्य करना है तो उसका वहाँ पे के लिए एक अलग उन्होंने जो है एक यहाँ पे फंड बनाया हुआ है, प्लस इसके साथ जो है MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंतर्गत जो फंड होता है वो भी वहां पे होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन को एक ही एरिया को जो है कई तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और जिससे कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है और बहुत सारे जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ लीकेज ऑफ फंड होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपस में जो है एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 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 डुप्लीकेसी हो रही है उस पूरे एरिया में कार्य की, तो हमें उससे बचना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी जो लोकल डेवलप
डेवलपमेंट का जो काम है वो PRI के थ्रू ही होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही होना चाहिए, और वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस और प्लानिंग के अंतर्गत उसको लाने की ज़रूरत है। शेयर ऑफ बोरोइंग्स विद पंचायत, पंचायत के साथ उधार का हिस्सा जो है वो जो है शेयर करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जितना भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जब बनाया जाता है कहीं पर, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो मार्केट से बोरो करती है। लेकिन हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कहता है कि जितने भी जो बोरोइंग्स हो सकती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर या तो पंचायती राज को भी जो है यहाँ पे जो मार्केट से जो है फंड्स रेज करने की जो है यहाँ पे अनुमति दे देनी चाहिए, या फिर जितना भी जो हिस्सा जो जितना भी जो पंचायत के साथ जो जो भी स्टेट गवर्नमेंट जितना भी जो यहाँ पर जो है मार्केट से बोरो कर रही है उसका कुछ हिस्सा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी देने की ज़रूरत है। एक फाइनेंशियल डेटा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक फाइनेंशियल डेटा होना चाहिए जिससे कि वहाँ जिससे कि पता चल सके कि कहाँ पर कितने फाइनेंसिस की ज़रूरत है और उससे जो है प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो है ऑटोनॉमिक और उनके ऑटोनॉमिक फंक्शन के लिए, ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शन के लिए और ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए PRIs की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए जो है उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन प्रकार से जो है यहाँ पर हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स दैट हेल्प अचीव दीज गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश राज्य के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले उपायों का भी सुझाव दें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ठीक है, SDG की बात करें, तो इसके अंदर का जो है 17 गोल्स आते हैं जो कि यहाँ पर लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है यहाँ पर लोगों की लाइफ और लाइफ कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ गोल्स सेट किए गए हैं, ठीक है। उन्हीं को जो है SDG कहा गया है और ये जो है 15 साल के लिए, 2015 से लेकर 2030 तक के लिए। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो है आने वाली चुनौतियों पर इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो SDG को जो पूरे जो टास्क है इसको पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया की तरफ से, तो वो किसका कार्य है, वो नीति आयोग का है। और नीति आयोग ने हर सरकार को एडवाइस किया है कि यहाँ पे जितने भी जो मैपिंग करना है या फिर जितने भी जो है यहाँ पर प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है, वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने एंड से, ताकि जो है SDG जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास के जो गोल्स हैं, उसको जो है पूरा किया जा सके। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है उसकी हम कुछ बात करेंगे कि यहां पर देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश ने जो है SDG इंडेक्स में जो है यहां पर इसके स्कोर में बहुत ज्यादा जो है कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो है उत्तर प्रदेश बेटर परफॉर्म कर रहा है। 2018 में जो इंडिया का सॉरी उत्तर प्रदेश का स्कोर जो 42 था 100 में से, वो 2019 में बढ़ के 19-20 में बढ़ के 55 हो गया था, और 2020 और 21 में बढ़कर ये कितना हो गया, ये 60 हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, वो 66 है। हालांकि हम जो है नेशनल एवरेज से तो हमारे परफॉर्मेंस कम है, लेकिन हम जो है निरंतर जो है इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस की बात करें SDG पे, तो यहाँ पर देखा तो उत्तर प्रदेश को जो है एक परफॉर्मर स्टेट के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और बिहार, झारखंड और असम से जो है यहाँ पे आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश ने जो SDG 7 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, मतलब कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, वहाँ पे जो है परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 को जो है यहाँ पे अपना यहाँ पे प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे लोगों को क्लीन फ्यूल मिल रहा है और जो है एनर्जी, क्लीन एनर्जी को जो है लोगों को मिल रही है। यहीं अगर हम SDG 3 की बात करें, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, तो यहाँ पर स्कोर इसका 60 है। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन पे 51 है, जेंडर इक्वालिटी पे 50 है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ पे 77 है, जहाँ पे कि इन दोनों SDG 11 और 12 में भी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रही है, और SDG 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में भी जो उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है वो 79 है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक गोल्स हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रही है।
जैसे कि हम अगर SDG 1 की बात करें, ठीक है, असमानता में कमी लाने की, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है इंडिया में, उसने सबसे ही वर्स्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे अंत में आया था, और यहाँ पर जैसे कि हम SDG 1 है, नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट एक्शन है, इन सभी जो पैरामीटर्स हैं, इन सभी गोल्स में जो भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग थी उसमें से इसने पहले से जो है खराब प्रदर्शन किया है, ठीक है। ठीक है, उनके स्कोर जो है वो पहले से कम हुए हैं, डिप हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, वो कौन कौन से हैं SDG को पूरा करने के लिए, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो है क्या है, बजटरी एलोकेशन की। यहाँ पे जो है बजटरी एलोकेशन, यहाँ पे जो है पूरा तरीके से जो फाइनेंसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो है फाइनेंसेस को किस तरीके से एलोकेट करना है उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे गोल्स हैं जो कि किसी भी जो सॉरी बहुत हाँ बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो कि किसी भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे उनका लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उन डिपार्टमेंट्स को कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। तो हमारे जो फाइनेंसेस हो रहे हैं फाइनेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग अलग जगह पे जो है हमें डिवॉल्व करना पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पे फाइनेंसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लैक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चर डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स है, लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे इनके लिए जो है अलग से बजट तो लेकर के आते हैं, लेकिन इनका जो है पूरे SDG में कोई भी ज्यादा रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनेंसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे ओवरलैपिंग गोल्स, अतिव्यापी लक्ष्य होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जो है कई सारे गोल्स के लिए जो है इनडायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो है उनके जो बजट होता है वो केवल एक ही, उनको बजट तो एक ही दिया जाता है, लेकिन वो कई सारे गोल्स पे काम कर रहे हैं। वो जो है वो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए ही उनको सिर्फ पैसा एलोकेट किया जाता है, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो इनडायरेक्टली जो है कई सारे क्षेत्रों में हमें मदद करता है। जैसे कि अगर हम मनरेगा की बात करें, ठीक है, MG नरेगा की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये गोल 1 और 8 दोनों में ही जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे जो है गोल्स जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। मनरेगा के लिए जो है फंड जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड दिया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें जेंडर इक्वालिटी भी मिलेगी, हमें हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, पर लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है टफ चॉइसेस हमारे पास हो जाती हैं कि हम रोड बनाए, ठीक है, रूरल कनेक्टिविटी प्रदान करें, या फिर जो है हम स्कूल्स को बिल्ड करें। तो यहाँ पे जो टफ चॉइसेस हैं उसके बीच में जब डिसीजन लेना होता है, उसकी वजह से भी हमारे जो गोल्स होते हैं हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसी तरह अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, ठीक है, एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे यहाँ हम ज़्यादा ध्यान दें, या फिर जो है हम फॉसिल फ्यूल पे जो है उसी को रहने दें। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भी बहुत सारे जो है यहाँ पे टफ डिसीजंस होते हैं, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर आते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल पे ध्यान देते हैं लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ही सारे जो है टफ चॉइसेस हैं जिसकी वजह से हमारे जो गोल अचीव करने में हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन सीरियसनेस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, बाहरी एजेंसियों की गैर गंभीरता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं उनका बहुत ही ज्यादा जो है सपोर्टिव रोल नहीं है SDG को हमें प्राप्त करने के लिए। किसी भी स्टेट में अगर इतने बड़े गोल्स को अगर अचीव करना है तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज्यादा जो है अहम हो जाती है। तो यहाँ पे उनके साथ जो है कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के बाहर के, या फिर जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट या फिर इंटरेस्ट इसमें शो नहीं करती हैं। लैक ऑफ फंड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जिला स्तर पर जो है फंड की कमी होती है, जितने कमी है
कि अगर हम बात करें तो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल 20-30% ही केवल जितना भी टोटल बजट है उसका केवल एलोकेट किया गया है, केवल उतना ही जो है उनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हम जितने भी जो टारगेट हैं, जितने भी गोल्स हैं, उनको तो उनको हम लोग पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारे पास फाइनेंसेस ही ना हो। और अगर हम बात करें यही पंचायत लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे, तो ये हालत जो है वो और भी ज़्यादा बुरी है। अगर हम देखें तो जो यूपी उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो है गरीबी भी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उन सब की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो फंडिंग्स जो है, यहाँ पे जो पैसे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंसिस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पूरी जितना भी हमें पर्याप्त पैसा चाहिए वो भी हमें बजट नहीं मिलता है। तो ये सब जो है हमारे जो इतने भी SDG गोल्स जितने हैं उसको अचीव करने में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, डेटा की अनुपलब्धता। तो जो डेटा जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, जो अगर जो है जितने जो जितना भी डेटा जो उपलब्ध है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसके कारण से जो है कि आप कहाँ किस जिले में कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो भी हमें पता नहीं चल पाती कि कहाँ पे कितना और जो है कार्य करने की ज़रूरत है। तो डेटा की कमी से भी जो है हम यहाँ पे अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। वेरियस स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार की बहुत सारी विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर को लेके, हेल्थ को लेके, तो ये जितने भी जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा एक एक्शन प्लान जो है, एक एक्शन प्लान जो है यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कोई सी भी प्रकार की जो है मैपिंग करने में या फिर जो है फाइनेंशियल मैट्रिक्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉवर्टी है, तो ये सभी जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है हार्म कर रहे हैं। तो SDG जो 15 है हमारा पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उसको भी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जितने भी पानी रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, उनकी बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है फूड सिक्योरिटी पे भी जो है असर पड़ रहा है, तो लोगों को जो है पूरी तरीके से खाना भी नहीं दे पा रहे। तो जो हमारा जो गोल 2 है एंड हंगर, ठीक है, तो वहां पे उसमें भी जो है हमें बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो है भारत सरकार बहुत सारे कदम भी उठा रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, नमामि गंगे प्रोग्राम है, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो बहुत सारे के जो है सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्लाइमेट चेंज या फिर एन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो हम SDG जो है हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन में बहुत ज़्यादा कमी है, नीति आयोग भी समय समय पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो मैन पावर है पूरे जो SDG गोल्स को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उनके जो प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो मैन पावर है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है जिसके कारण से जो है हम लोग SDG को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या जो है मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। मेजर्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो है जितनी भी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या फिर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको अधिक धनराशि हमें देने की ज़रूरत है। जैसा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी क्या किया था, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनके लिए ज्यादा पैसे की हिस्सेदारी की बात की थी। इसके बाद हमें जो है नई स्कीम्स लेकर के आने की ज़रूरत है, नई योजनाओं को जो है पेश करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो है ऐसे टारगेट्स हैं जो कि किसी भी स्कीम में जो है कवर्ड नहीं है, टारगेट्स जो है वो कवर्ड नहीं है, जैसे कि 5.2 गोल है, ठीक है, वुमेन एंड टेक्नोलॉजी, 15.8 है एलियन इन्वेजिव स्पीशीज, तो इन सब के लिए कोई भी जो है यहाँ पर डायरेक्ट स्कीम नहीं है, तो इनके लिए अलग से एक स्कीम लेकर के आने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग इन पैरामीटर्स पर भी अच्छे से काम कर सकें। इसके बाद हम देखते डेटा प्लानिंग फॉर सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक डेटा योजना होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बहुत तरीके की जो है यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे कि विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, जितने भी जो गरीबी रेखा से नीचे फैमिली रहती है उनको अलग से जो है कवर करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हमारे पास डेटा नहीं होता प्रॉपर, तो यहाँ पर जो है उनकी कवरेज भी, ठीक है, इनकी जो कवरेज जो होती है वो भी ठीक ढंग से नहीं होती, जितनी भी जो इनकी टारगेटेड स्कीम्स होती हैं उसको भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेटा प्लानिंग करी जाए, ताकि जितनी भी जो
जितने भी लोग हैं उनको जो है असिस्टेंस दी जाए और अपने अचीव अपने गोल्स को अचीव करने में हमें मदद मिले। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ताकि हम लोग ये असेस कर सकें कि किस स्कीम ने कितना एसडीजी टारगेट में जो है कंट्रीब्यूट किया है, कितना जो है हम लोग कितने हम लोग ने किसी भी टारगेट पे जो है हमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो उन सबको मैप करने के लिए जो है एक ऑनलाइन डेटा होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक ही वेबसाइट होनी चाहिए या फिर डैशबोर्ड होना चाहिए जो कि जिसमें कि सारे जितने कि सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल लोकल बॉडीज़ है, पंचायत है, इन सभी के डेटा को जो है इंक्लूड करने की जरूरत है, ताकि उनको कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो सके, उनकी प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो सके। लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत, मॉडल ग्राम पंचायतों की प्रथाओं से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो ऐसे जो ऐसी बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत हैं जो कि ODF हैं, ठीक है, ओपन ओपन डेफिकेशन फ्री ग्राम पंचायत है, मेल न्यूट्रिशन फ्री विलेजेस हैं, ठीक है। तो जो आदर्श आदर्श संसद योजना है तो वहाँ पर वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिसेस से हमें सीखने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो इंप्लीमेंट करके हम लोग और ग्राम पंचायत या फिर ग्रास रूट लेवल पे हम उनको भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में मिल करके काम करना पड़ेगा। जब इतने बड़े गोल्स रखे हैं तो वो एक या फिर दो डिपार्टमेंट या फिर स्टेट का काम नहीं है, इसमें सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है यहाँ पर हमें डायरेक्टिव्स देने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से जो है गोल्स को जो है सेट करेंगे, और उनका गोल जो है वो किस टारगेट को जो है यहाँ पे किस टारगेट को जो है यहाँ पे SDG टारगेट को जो है वहाँ पे ध्यान में रख के जो है बनाया जाएगा, जिस और बाद में उसकी जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है, कोई भी स्कीम लेकर के आए हैं तो उसके बाद हम उसमें बताते हैं कि हम किस तरीके से इसको कार्य करेंगे, इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसी तरीके से जो है हमें SDG को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो है कि 17 डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज बना दी जाए अलग अलग गोल्स के लिए। तो यहाँ पर जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जितने भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, उन सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी much.